ब्लॉक जरवल क्षेत्र के धनराजपुर नियामतपुर में प्रधानमंत्री आवास प्लस से संबंधित मीडिया कर्मी सुनील कुमार गुप्ता ने फूस के छप्पर में निवास कर रहे लोगों से ली जानकारी। खबर यूपी के जनपद बहराइच से आ रही है। ब्लॉक जरवल के क्षेत्र धनराजपुर नियामतपुर की निवासिनी पुष्पांजलि ने मीडिया कर्मी सुनील कुमार गुप्ता से बताया कि 2018-2019 में प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना पात्रता सूची क्रमांक संख्या 136 पर अंकित है, जो कि बिना जांच के सूची से नाम ग्राम पंचायत अधिकारी राजेश्वर यादव के द्वारा काट दिया गया। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी तथा जिला अधिकारी बहराइच पुष्पांजलि के द्वारा शिकायती पत्र दिया गया। इसकी जाँच कराकर ग्राम पंचायत अधिकारी राजेश्वर यादव पर कड़ी कार्यवाही की जाए तथा प्रधानमंत्री आवास दिलाया जाए। पुष्पांजलि ने मीडिया कर्मी सुनील कुमार गुप्ता से ये भी बताया कि बाढ़ कटान पीड़ित महिला पुष्प की झोपड़ी में कई वर्षों से गुजर बसर कर रही है, उसके बावजूद ब्लॉक जरवल की ग्राम पंचायत अधिकारी राजेश्वर यादव ने बिना जाँच किए हुए पात्रता सूची से नाम हटा दिया गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि 20,000 रुपए की मांग की गई थी, ना दे पाने की वजह से प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना से नाम काट दिया गया। अब देखना यह है कि खबर प्रकाशित होने के बाद योगी राज में ग्राम पंचायत अधिकारी राजेश्वर के ऊपर जिम्मेदार अधिकारी कार्यवाही करते हैं या फिर ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। नमस्कार, देखिए इसमें जनपद बहराइच के तहसील कैसरगंज क्षेत्र के अंतर्गत जो है ब्लॉक जरवल ग्राम पंचायत धनराजपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पे जनता हमारे बीच में है, इनकी कुछ समस्या है, जरा जानकारी लेना है। क्या समस्या है, पहले अपना नाम परिचय बताएं। पुष्पांजलि, क्या समस्या आपकी? आपकी समस्या है कि कॉलोनी आई है, सब ने काट दिया है ब्लॉक के अधिकारी द्वारा। हाँ, काट दिया गया है। आपका मकान कैसा बना है? कच्चा मकान, कच्चा बना हुआ है। हाँ जी, कोई अधिकारी ध्यान नहीं दिया? कोई नहीं ध्यान दिया, और बिना जांच के है कॉलोनी काट दिया गया नाम, यानी ब्लॉक के अधिकारी द्वारा काटा गया। हाँ, ब्लॉक के अधिकारी। नाम क्या है? पुष्पांजलि। कहाँ के रहने वाली है? धनराजपुर के। हमारे बीच में उनके पति जी है, उनसे भी जानकारी लेना है क्या समस्या है। भाई साहब का नाम परिचय बताएं। जगमोहन। क्या समस्या है? आवास आई थी, मेरे काट दिया गया है। 2018-17 से मेरे नाम देखा जा रहा था जी। और देखा कहें कि अब पैसा आ गया है, बजट आ गया है, अब मिल जाएगी। नोटरी भी मांगा, सब कुछ मांगा राजेश्वर यादव ने। सिक्योरिटी कौन है? राजेश्वर यादव। उन्होंने काट दिया कॉलोनी? हाँ, काट दिया। जबकि मैंने भी देखा है यहाँ पे आपके जो है मकान में जो मीटर लगा हुआ है, छप्पर में लगा हुआ है। हाँ, छप्पर में लगा हुआ, लेकिन कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। सिक्योरिटी कौन है? राजेश्वर यादव। वीडियो को नाम जानते हैं? वीडियो नहीं जानते हैं सर। ब्लॉक कौन सा है? जरवल कस्बा। क्या नाम है आपका? जगमोहन। कौन सा ग्राम पंचायत? धनराजपुर। देखिए जगमोहन, ब्लॉक जरवल के जो है ग्राम पंचायत धनराजपुर के निवासी ने बताया है कि कॉलोनी आई थी, राजेश्वर प्रताप यादव ने काट दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि हमें कॉलोनी दिया जाए, प्लस उन्होंने जो काटा होगा कॉलोनी उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। KPPN न्यूज से कैमरा पर्सन रमेश कुमार मौर्य के साथ सुनील कुमार गुप्ता के साथ बहराइच।